नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक टॉपिक लगा रखा है, ये वर्तमान की सबसे भयानक समस्या बन चुकी है। सभी प्रदेशों में, पूरे भारतवर्ष में आजकल ये समस्याएं एक अपना बहुत गहरा जो है प्रभाव लेकर के चल पड़ी है। आए दिन पत्रिकाओं के अंतर्गत, न्यूज़पेपर के अंतर्गत, खबरों के अंतर्गत हम रेप, बलात्कार, नाबालिग के साथ बलात्कार, समूह के साथ बलात्कार, कभी हम इसके मूल तक नहीं जा पा रहे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों बलात्कार का मनोविज्ञान, रेप का मनोविज्ञान, कि बलात्कार के पीछे साइकोलॉजी क्या कहती है, मनोविज्ञान की क्या जो है इस रेप को लेकर के अवधारणा है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि हम अपराध को किस नजर से देखते हैं, उस नजर के ऊपर किस प्रकार से चिंतन करते हैं और फिर उसके ऊपर कैसा निर्णय लेते हैं, ये सब जानने के लिए हमें इसके सारे पक्षों की जानकारी होनी जरूरी है। उसमें से एक पक्ष है आपका ये मनोविज्ञान। ज्यादा समय में आपका नहीं लूंगा, छोटी छोटी बातों के ऊपर अपन चर्चा करते चलेंगे और छोटी छोटी बातों के साथ में अपन क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि होता क्या। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है बलात्कार की अवधारणा क्या है। क्या है बलात्कार की अवधारणा? सबसे पहले आपको बताएं कि बलात्कार क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी आप अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ, किसी विषम लिंगी के साथ बलपूर्वक काम क्रियाएं करते हो, उसको अपन बलात्कार कहते हैं। यानी कि सहमति नहीं होती है, बलपूर्वक। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, ऑपोजिट जेंडर, ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये नहीं कहा कि जब पुरुष किसी महिला पर करे, मैंने कहा ऑपोजिट जेंडर, विषम लिंगी, जब किसी के ऊपर बलपूर्वक काम क्रियाएं करता है उसको अपन कहते हैं बलात्कार, उसको अपन कहते हैं। ये एक सामान्य अवधारणा है। दूसरी अवधारणा, क्या बलात्कार वही है जिसकी FIR हुई है, या आप क्या कहोगे, क्या रेप वही है जिसकी लोगों ने FIR करवाई है या जिसको लोगों से पता चल गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि रेप जो है वो केवल FIR में जो दर्ज कराए गए वही है। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा, मैं बताऊंगा कि कई पुरुष या कई महिलाएं जो खुद मैरिड या शादीशुदा हैं, वो अपने ही पति या अपने ही पत्नी के साथ में सैकड़ों बार रेप कर चुके होते हैं। अब आप कहोगे कि गुरुदेव ये कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि बलात्कार का मतलब ही ये होता है कि बलपूर्वक किसी के साथ काम क्रियाएं करना। कई शादीशुदा पुरुष या महिलाएं जो वाकई में एक रिश्ते के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि दोनों के साथ में एक साथ में काम उत्तेजना जागृत हो। कभी कभी पुरुष की काम उत्तेजना जागृत होती है लेकिन उसकी पत्नी की नहीं हो पाती, तो वो उनके साथ में जबरन जो है दोस्तों संबंध बनाने का प्रयास करता है, ये भी एक प्रकार का बलात्कार है। लेकिन हाँ, उसको FIR के तहत नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन दोनों को क्या है कि एक बंधन में बांध रखा, एक रिश्ते में बांध रखा, ये हमारी एक अवधारणा है, हमारी धार्मिक दृष्टिकोण है, इसलिए वो नहीं होता है। कई प्रकार के प्रेमी प्रेमिकाएं आए दिन एक दूसरे से रेप करते हैं, लेकिन वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में है। आमतौर पर FIR केवल उन्हीं रेप की करवाई जाती है जिसके अंतर्गत जो होते हैं आपके केवल बिना किसी सहमति के, बिना किसी रिश्ते से आप किसी के साथ में बलपूर्वक जो है रेप कर देते हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि बलात्कार की अवधारणा क्या, मूल चीज क्या है दोस्तों। क्योंकि जब दोनों की काम उत्तेजना सेम हो और दोनों के अंदर काम प्रवृत्ति के संयोग बन रहे हो, उस वक्त यदि किया जाए तो वो एक जो है आप यूं कह सकते हो कि सहमति का माना जाएगा। एक की मर्जी, एक की बिना मर्जी आप करोगे, वो रेप की कैटेगरी में आएगा, चाहे आप किसी भी रिलेशन में बंधे हुए हो। दूसरी चीज देखिए, क्या बलात्कार केवल पुरुष ही करते हैं? तो ये बात सबसे गलत है, क्योंकि मैंने इसकी परिभाषा जब बताई थी तब भी मैंने आपको ये बताया था कि रेप अपोजिट जेंडर से किया जाएगा, विषम लिंगी से किया जाएगा, महिला पुरुष के साथ भी कर सकती है, पुरुष महिला के साथ में भी कर सकता है। हाँ, सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि अधिकांश जो रेपिस्ट होते हैं, जो बलात्कारी होते हैं, वो पुरुष होते हैं। वो क्यों होते हैं इसके पीछे भी अपन कारण को एक जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार विदेशों के अंतर्गत या ऐसी कई कंट्रियों के अंदर ऐसी रिसर्च देखने को मिली है जिसके अंदर डिलीवरी बॉय या कारपेंटर्स या मैकेनिक वगैरह, उनके साथ में कई प्रकार से रेप हुए हैं।
कई प्रकार से उनसे रेप हुई, लेकिन उनके एफआईआर कभी दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज नहीं होने के पीछे कारण क्या है वो मैं अभी जिनकी विशेषताएं जब अपन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिएगा अपन विशेषताएं की बात करें कि क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है, तो पहले आपको बलात्कार समझने से पहले, रेप से पहले काम का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने लाइन लिख रखी है दोस्तों, कामुकता अंधी होती है। कामुकता क्या होती है? अंधी होती है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर काम प्रवृत्ति का संवेग उत्तेजित होता है वो व्यक्ति अंधा हो जाता है। अंधा होने का मतलब हमारे शरीर में कई प्रकार की ऐसी मूल प्रवृत्तियां हैं, कई ऐसे संवेग जो हमारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन उनमें से काम प्रवृत्ति सबसे अलग है। इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर एक पावर, एक बल, एक शक्ति जो है काम करती है। वो बल शक्ति इस काम प्रवृत्ति को इतनी तेज धकेलती है कि व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है, वो इसके प्रति अंधा हो जाता है। इसके ऊपर नियंत्रण करना थोड़ा सा क्या होता है? कठिन होता है। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि ये उत्तेजना मूल है। मूल का मतलब स्वाभाविक है, आएगी आएगी। दूसरा है दोस्तों, कामुकता सहज होती है। सहज होने का मतलब क्या है कि बहुत साधारण, बहुत कम समय में ये उत्तेजित हो जाती है। अब मैंने ये कहा था कि क्यों पुरुष महिला के खिलाफ कभी एफआईआर नहीं करवाते कि हमारा भी रेप हुआ है, वो इसलिए नहीं करवाते हैं दोस्तों क्योंकि पुरुषों के अंतर्गत उत्तेजना की गति बहुत तेज होती है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि वो केवल ऐसे अभद्र चित्र या अभद्र वीडियो देख के भी काम प्रवृत्ति के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। तो सोचो कि किसी महिला ने यदि बलपूर्वक उसके साथ में रेप करने का प्रयास भी किया हो तो वो क्या करेगा? जो व्यक्ति चित्र देख करके उत्तेजित हो जाता है वो किसी महिला के छूने पर तो उसकी उत्तेजनाओं का बढ़ना अपने आप क्या हो जाएगा? स्वाभाविक हो जाएगा। इसी वजह से उस व्यक्ति की रेप के दौरान ही सहमति बन जाती है, तो फिर वो रेप कहलाती ही नहीं है क्योंकि सहमति बन जाती है बीच में। लेकिन महिलाओं के साथ में ऐसा नहीं है, है ना, महिलाओं के साथ में नहीं, उनको इस प्रकार की उत्तेजनाएं बड़ी मुश्किल से होती हैं। तो इसीलिए पुरुषों के खिलाफ जो है, महिलाओं के खिलाफ रेप की एफआईआर कम होती है, पुरुषों के खिलाफ ज्यादा होती है। इसके पीछे ये कारण है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं का रेप होता है, पुरुषों का भी होता है। तीसरी बात, काम का वेग बड़ा तीव्र होता है। वेग का मतलब ये इतनी तेज गति से उत्तेजित होता है कि व्यक्ति को संभलने का समय नहीं मिलता, व्यक्ति इसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं कर सकता, ज्यादा विवेक करे उससे पहले ये अपनी गति पकड़ लेता है। हम कहते हैं कि कानून व्यवस्था को सटीक कर दिया जाए, मजबूत कर दिया जाए, तो क्या इस चीज को रोका जा सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, कानून व्यवस्था को चाहे कितनी भी मजबूत कर ली जाए, कितनी भी सटीक कर ली जाए, ये अपराध और संगीन होता चला जाएगा। जैसे पहले केवल रेप होते थे, कानून को थोड़ा कठोर बनाया गया तो अब रेप के बाद मर्डर होने लगे ताकि उनको सबूत न मिले, लेकिन रेप बंद नहीं हुए क्योंकि इसका वेग बड़ा तीव्र होता है। जब इसकी उत्तेजना आती है तो व्यक्ति एक प्रकार से अंधा हो जाता है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो उस वक्त वो क्रिया तो कर लेगा लेकिन जैसे वो अपनी काम प्रवृत्ति को संतुष्ट करेगा उसके बाद उसको सोच में आएगा, उसकी जो अंधता है वो समाप्त हो जाएगी, फिर उसको पता चलेगा कि अब मैं क्या करूं, तो वो एविडेंस मिटाने के चक्कर में उनको क्या कर देता है दोस्तों, मार देता है, उनका क्या कर देता है, मर्डर कर देता है। अभी मैं आपको बहुत सारे कारण बताना हूं। अभी तो कामुकता आक्रामक होती है। देखो दो शब्द होते हैं, एक हिंसा, एक आक्रामक। हिंसा परमात्मा की योजना है, भगवान की योजना है जो हमारे साथ में आई है, आक्रामकता सब में होती है, लेकिन हिंसा एक प्लानिंग है। हिंसा जो होती है वो क्या होती है? प्लानिंग होती है। तो रेप का जो मूल कारण आक्रामकता है, हिंसा नहीं है। काम प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति इतना आक्रामक हो जाता है कि उसको कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए वो ये सोच ही नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, ये कुछ भी वो सोच नहीं पाता। ये आक्रामकता है, हिंसा नहीं है। जैसे देखिएगा, किसी ने रेप करने के बाद किसी का गला घोट के मार डाला तो श्रेणी तो ये हिंसा की होगी, लेकिन इसने जो ये काम किया है ना वो आक्रामकता के कारण किया है। उसके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे ये काम करना है कि मैं उसको मार दूंगा, ये काम किया है उसने आक्रामकता के कारण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेप एक आक्रामकता के कारण होता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण नहीं होता है। फिर ध्यान रखिएगा, कामुकता में मर्यादा, विवेक, चिंतन नहीं होता। जब भी व्यक्ति काम प्रवृत्ति के अंदर जाता है तो उसका विवेक पहले मर जाता है, उसके पास सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं रहती है। ये साधारण से ही कह रहा हूं, आप चाहे रेप करें चाहे सहमति से करें, उस वक्त विवेक नहीं रहता है। उस वक्त व्यक्ति की प्रवृत्ति असुरी हो जाती है, राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है, वो आक्रामक हो जाता है। उनको ये नहीं पता चलता है कि हम
जो है हमारी जो गतिविधि है इसके परिणाम क्या होंगे, वो चाहे रेप में हो चाहे सहमति से हो, दोनों परिस्थिति में विवेक तो पहले मर जाता है, चिंतन पहले जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे काम प्रवृत्ति किसी के अंदर उत्तेजित होती है तो पहले विवेक मरता है, पहले चिंतन मरता है। अब सोचो जिस व्यक्ति का विवेक मर चुका हो, जिस व्यक्ति का चिंतन मर चुका हो, उसको सही गलत का कैसे आभास रहेगा? वो सोच ही नहीं पा रहा है कि 8 साल की बच्ची और 28 साल की औरत में कुछ अंतर होता है, 8 महीने की बच्ची और 18 साल की लड़की में कुछ भेद होता है, कर ही नहीं पा रहा है अंतर, कैसे करेगा? विवेक मर चुका है, उसकी चिंतन करने की क्षमता क्या होती है? डाउन। तो जैसे जैसे हमारे अंदर काम प्रवृत्ति तेज होती जाती है ना, वैसे वैसे हमारा विवेक मरता जाता है। इसीलिए ये कहा गया है कि अध्ययन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कामेंद्रियों पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। क्यों करना जरूरी होता है? क्योंकि जितनी भी कामेंद्रियां हैं वो जब उत्तेजित होती है तो हमारा विवेक मर जाता है, विवेक मर जाता है तो अपन चिंतन नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते तो अधिगम कैसे करेंगे, लर्निंग कैसे करेंगे, सीखेंगे कैसे? तो सीखने के लिए काम प्रवृत्ति का शांत रहना भी जरूरी है। जिन लोगों के अंदर काम प्रवृत्तियां अधिक उत्तेजित होती है, सामान्य तौर पर उनका ज्ञान नॉलेज जो होता है वो डाउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि विवेक चिंतन नहीं कर पाते। इसीलिए तो सन्यासियों के पास जो होते हैं, सन्यासी मतलब जो जंगल में जाकर अपने आप को, अपने एकांत में जाकर अपने आप के मानसिक शक्तियों का विकास करें, उन सन्यासियों की बात कर रहा हूं मैं, तथा कथित बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो जो सन्यासी लोग होते हैं उनके पास में जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के भंडार का मूल कारण क्या है? कामेंद्रियों पर नियंत्रण। वो लोग अपनी काम प्रवृत्ति को दबा चुके हैं, काम प्रवृत्ति पर नियंत्रण कर चुके हैं, इसीलिए उनका नॉलेज अप हो गया है। तो ये बात तो सही है कि आपको यदि ज्ञान की वृद्धि करनी है तो काम प्रवृत्ति को पहले क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम विवेक मर गया, जहां चिंतन मर गया, हम सोच ही नहीं पा रहे कि सही क्या है और गलत क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा ज्ञान सही है कौन सा ज्ञान गलत है, कौन सी अवधारणा सही है कौन सी अवधारणा सही नहीं है, ये जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक चीज अपन ये भी मान सकते हैं कि विवेक चिंतन मर जाता है, विवेक चिंतन मर गया तो सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है। दूसरा, काम का मूल उत्तेजना है जो स्वाभाविक है, नॉर्मल सी बात है। मैंने कहा कि काम प्रवृत्ति जो व्यक्ति काम करता है, जो संभोग करता है, वो एक स्वाभाविक है, जैसे भूख लगती है स्वाभाविक है, ठीक उसी प्रकार से काम भी क्या है स्वाभाविक। तो कुछ लोग तो क्या होते हैं, नियंत्रित अवस्था के अंतर्गत होते हैं या एक पारिवारिक संबंधों के अंदर बंध जाते हैं तो उनको इन सब चीजों से संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को तथा कथित प्रयास करने के बाद में भी इन चीजों को संतुष्टि नहीं हो पाती, तो उत्तेजना तो बढ़ती रहेगी। बार 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 जब उनके अंदर इस प्रकार की उत्तेजनाएं बढ़ती रहेगी तो एक एक बार तो उसको आक्रामक बना ही देगी, है ना। तो जब जब आप वो लोग उनको शांति नहीं कर पा रहे, उनको सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहे, तो वो लोग आगे जाकर के रेपिस्ट बनने के चांस क्या रहते हैं दोस्तों, ज्यादा रहते हैं, उत्तेजनाओं के कारण होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उत्तेजना का अंतराल भी नहीं होता। अंतराल का मतलब क्या होता है कि जब ये प्रवृत्ति आपके अंदर आती है, जैसे इनके इमोशंस, इनके लिरिक्स हमारे, या आप कह सकते हो कि इसके जैसा भी स्त्रवण हमारे शरीर के अंदर होता है, तो होने के बाद में इसके बीच में गैप नहीं होता है, अंतराल नहीं होता है कि आपके जैसे अभी उत्तेजना जगी है तो इसको संतुष्ट शाम तक होगा या दोपहर तक की जाएगी, नहीं, इसके बीच में गैप ही नहीं होता है, अंतराल होता ही नहीं है। और जब अंतराल ही नहीं है, गैप ही नहीं है, स्पेस नहीं है, तो उस व्यक्ति को उस कंडीशन पर जो भी मिलेगी वो उसका निर्णय ले लेगा। जैसे हम देखिएगा, हम देखते हैं कि 8 साल की बच्ची का किसी व्यक्ति ने रास्ते चलते, वो कल ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, वो टॉयलेट करने के लिए बाहर आई थी और एक व्यक्ति उसको उठा करके लेकर उसका रेप कर दिया, है ना। अब देखिएगा, उसकी कोई प्लानिंग थोड़ी थी कि यहाँ से कोई लड़की निकलेगी उसको मैं उठा करके ले जाऊंगा और रेप करूंगा, कोई प्लानिंग नहीं थी, उसके अंदर एक उत्तेजना जगी, उत्तेजना के बीच में अंतराल नहीं होता है, उसको एक ऑप्शन मिला और ऑप्शन हुआ तो उठा करके लेकर के चला गया। इसलिए कहिएगा कि सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति रेपिस्ट नहीं है, या सड़क पर चलने वाली हर महिला का भी रेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि ये केवल 2-5% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उत्तेजना को एक कुछ समय के लिए भी नियंत्रित नहीं कर पाते, ऐसे आक्रामक हो जाते हैं, अपने विवेक को पूरा मार देते हैं। कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, जिनका अच्छे परिवार में पालन पोषण हुआ है, जिसको अच्छे संस्कार मिले, सामान्य तौर पर उनके अंदर एक भय ज्यादा रहता है, तो जैसे ये उत्तेजना बढ़ती है ना, उसको भय दबा देता है, परिवार परिवार, तो व्यक्ति उस गलत काम को करने से एक मिनट के लिए रुक जाता है। लेकिन जिसको परिवार का, समाज का, संस्कारों का भय नहीं है ना, तो उसकी उत्तेजना को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो तो कुछ भी कर लेगा। तो सामान्य तो रेपिस्ट जो होते हैं उनको अंदर परिवार समाज का ये भय भी नहीं होता, इस कारण वो कर लेते हैं। तो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी, कुछ चीजों के ऊपर अपन ये भी मन, ये तो विशेषताएं हो गई। अब मैं आपको कह रहा हूं कि कारण क्या है, रीजंस क्या है, ये सारी बातें साइकोलॉजिकल फैक्टिव है दोस्तों, मैं कोई अपनी मनगढ़ंत या अपने मन की बातों से नहीं बता रहा हूं, सारी ऑथेंटिक है। देखिएगा,
पहले चीजें बताई गई है कम कपड़े। कुछ लोगों की ऐसी धारणाएं हैं कि रेप का जो सबसे बड़ा कारण है वो कौन सा है दोस्तों, कि लड़कियों के द्वारा जो कम वस्त्र पहने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो दोस्तों मैं इस चीज को दो तरीके से समझाना चाहूंगा। पहली चीज, जो 2 साल 2.5 साल 3 साल की बच्ची है वो तो वैसे ही कम कपड़े ही पहनेगी, ये तो अपन मान सकते हैं कि चलो कोई एडल्ट लड़की पहन रही तो वो एक आकर्षण का विषय बन सकता है, लेकिन एक 2 साल 3 साल की बच्ची का कैसे बन सकता है, ये कारण हो सकता है। दूसरा, हाँ, भारतीय परिवेश के अंदर ये कंडीशन लागू होती है। मनोविज्ञान का विकास भारतीय में नहीं दोस्तों, पाश्चात्य क्षेत्र में क्या हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है। तो मनोविज्ञान पश्चिमी देशों में बना हुआ है, तो पश्चिमी देशों में रेप का कारण कम कपड़े नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग कम कपड़ों में नॉर्मल रहते हैं, वहां पे ये कारण नहीं है। लेकिन भारतीय परिवेश में है, क्योंकि हमारा परिवेश कम कपड़ों वाला नहीं है, हमारा परिवेश पूरे के पूरे वस्त्रों को पहन करके चलने वाला है। जब इस परिवेश में यदि कोई कम कपड़ों में जाएगी तो ये एक मुद्दा बन सकता है। देखो मनोविज्ञान में भी विश्लेषण करना पड़ता है, क्योंकि वो पश्चिमी देशों में बनी है, कुछ धार्मिक परंपराएं, कुछ नैतिकता और कुछ सामाजिक रीति रिवाज होते हैं जो मनोविज्ञान का विश्लेषण करने के लिए जरूरी होते हैं। तो उसके आधार पर मैंने विश्लेषण किया है कि पश्चिमी देशों के अंदर कम कपड़े पहनना रेप का एक कारण नहीं है, लेकिन भारत के अंदर कम कपड़े पहनना रेप का एक कारण हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि कामुकता सहज होती है, और पुरुषों की कामुकता इतनी सहज होती है कि वो अभद्र चित्र को देख करके कामुक हो सकते हैं। तो अभद्र कपड़ों में देख करके उनकी कामुकता का सहज होना जरूरी है। हम कभी कभी कहते हैं कि लड़कों को अपनी मानसिकता चेंज करनी चाहिए, मैं इस चीज को मान सकता हूं, लेकिन मूल प्रवृत्ति को कैसे चेंज करें मुझे बताओ आप। भूख तो लगेगी ना, भोजन चाहिए उसको, प्यास लगेगी, पानी चाहिए, ठीक उसी तरीके से काम मूल प्रवृत्ति है, कैसे नियंत्रित करेगा कोई व्यक्ति। अच्छा, सबके पास में नियंत्रण शक्ति भी नहीं होती, जिसके पास में है वो तो कर लेगा, जिसके पास में नियंत्रण शक्ति ही नहीं है, जिसको परिवार समाज नैतिकता का भय नहीं है, वो कैसे करेगा। तो इसके लिए तो बढ़िया तरीका ये बन सकता है कम से कम हम शालीनता में आ जाए। तो ये भारत में एक बड़ा कारण है, मैं कह रहा हूँ पश्चिमी देशों में नहीं है, भारत में ये कारण मनोविज्ञान कम कपड़े की वजह से रेप हो इसको कारण नहीं मानती है, क्योंकि वो उत्तेजना को महत्वपूर्ण मानती है। लेकिन मैं भारतीय परिवेश के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये कारण एक बड़ा हो सकता है। दूसरा कारण होता है दोस्तों दमित इच्छाएं। दमित इच्छाओं का मतलब क्या होता है कि कई बार हमारे मन में अलग अलग प्रकार की जो है इच्छाएं जागृत होती रहती है, अलग अलग प्रकार की हमारे अंदर आवश्यकता होती है, उसमें काम प्रवृत्ति भी आती है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर काम प्रवृत्ति उत्तेजित हुई, व्यक्ति को कोई ऑप्शन नहीं मिला, उसने दबा करके हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है अचेतन मन, उसमें भेज दिया, वही स्टोरेज रहती है। फिर उसके मन में कभी और इस चीज की कंडीशंस बनी, उत्तेजना ही, फिर उसको दबा करके अचेतन मन में भेज दिया। बार बार वो काम प्रवृत्ति को अचेतन मन के अंदर भेजता रहा। एक दिन जब अचेतन मन ने विस्फोट किया ना, फिर उसके अंदर आक्रामकता आ गई, फिर उसका विवेक मर गया, फिर उसका चिंतन मर गया, फिर वो सोच नहीं पाएगा कि 2 साल की बच्ची है, 20 साल की लड़की है, 40 साल की औरत है या 75 साल की बुढ़िया है, कुछ भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसका विवेक चिंतन क्या हो चुका है दोस्तों, मर चुका है। क्यों? क्योंकि उसने दमन बहुत ज्यादा किया था। इसीलिए काम प्रवृत्ति का दमन नहीं, शमन करें। जब भी ऐसी उत्तेजना हमारे मन में आए तो उसको, दिमाग को ये ना कहें कि आज नहीं कभी और तुझे संतुष्ट कर लेंगे या कभी और जो है कर लेंगे, नहीं, उसको बोलना ये नहीं ऑप्शन नहीं है, नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं है, नहीं कर रहे। बार बार उसका शमन करने की कोशिश, शमन करने के लिए 25 सेकंड लगते हैं, 25 सेकंड। जब भी हमारे अंदर उत्तेजना आती है, हमें केवल अपने दिमाग को 25 सेकंड के लिए कहीं और कन्वर्ट करना पड़ता है, उत्तेजना 6 घंटे के लिए शांत हो जाती है दोस्तों। यानी कि जब कभी भी हमारे दिमाग में सेक्सुअली थॉट आते हैं, उसको केवल आपको 25 सेकंड, कितने, ओनली 25 सेकंड आपको नियंत्रण करना है। 25 सेकंड के लिए आपको दिमाग कहीं और कन्वर्ट करना है, आने वाले 6 घंटे के अंदर वापिस हमारे दिमाग में ये थॉट नहीं आएंगे। अब ये चीजें तो एजुकेशन से आती है, और हम लोग तो क्या करते हैं, सेक्स एजुकेशन दे ही नहीं रहे बच्चों को, है ना, इस चीज को पढ़ाने में भी शर्माते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए जबकि ये जीवन का सबसे बड़ा भाग हो गया। अब ये चीज लोगों को बताई जाए कि 25 सेकंड के लिए डिवाइडेशन करना, तो कोई अपराधी अगर ऐसा काम कर रहा होगा तो वो सोच लेगा 25 सेकंड रुक जाऊं, काम नहीं होगा। तो वो सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, लेकिन इसके लिए एजुकेशन चाहिए, और भारत हमेशा इस एजुकेशन से बचता आया है, हमेशा इस एजुकेशन को साइड में कर दिया है। हालांकि मैं मानता हूं, बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि भारतीय परिवेश में इस प्रकार की शिक्षा एक फंडामेंटली सार्वजनिक रूप से देना इतना आसान नहीं है, इस चीज को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन धीरे 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 कोशिश की जाए तो ये एक मूल विषय या अनिवार्य भाग बन सकता है, जो जरूरत है। तो दमित इच्छाएं क्या होती है दोस्तों, दूसरा कारण होती है। तीसरा होता है दोस्तों अनैतिक व्यवहार।
कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आजकल मॉडर्न बहुत ज्यादा बन गए। मॉडर्न बनने के चक्कर में हमने क्या कर दिया, हर कहीं हम अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, है ना। घूमने के लिए गए तो पहाड़ों के ऊपर अपना प्यार जता रहे, नदी के किनारे हम अपना प्रेम जता रहे, और कहीं क्लब में गए तो वहां अपना अनैतिक व्यवहार, जहां पे आपको, जैसे आपको अपनी पत्नियों के साथ, अपनी प्रेमिकाओं के साथ गले मिलना है, उनको जो भी प्रेम जताना है, तो वो आप ऐसे एक जो फंडामेंटली अगर जताते हो तो उसको कहते हैं अनैतिक व्यवहार। उसके लिए एक प्रक्रिया है कि उसका एक व्यवहार है कि उसको उसी स्थान पर किया जाएगा तब ये उचित लगेगी। तो हम जब अनैतिक व्यवहार प्रकट कर लेते तो हम तो कर लेते हैं, पर वहां पे जो खड़े हुए लोग देख रहे हैं ना, उनके अंदर तो उत्तेजना जग जाएगी, और वो उत्तेजित व्यक्ति अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए कोई ना कोई दूसरा प्रयास ढूंढ लेगा, कोई ना कोई दूसरा प्रयास ढूंढ। मैं कह रहा हूं ये भारत के अंदर एक मूल मुद्दा है, ऐसे प्रेमी जोड़े या ऐसे हस्बैंड वाइफ जो फंडामेंटली है ना सार्वजनिक स्थानों पर प्यार के वो पहलू जाहिर करते हैं जो एक फंडामेंटली या एक सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाना चाहिए, ये एक बड़ा कारण है लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करने का। अब उत्तेजित व्यक्ति हो गया, आक्रामक हो गया, विवेक मर गया, चिंतन मर गया, क्या करेगा मुझे बताओ? कहीं ना कहीं जाकर के वो शांत करेगा। उसमें एक वह व्यक्ति मारा जाता है जिसकी कोई गलती नहीं है, एक उस महिला का, जो उस बच्ची का, जिसकी कोई गलती नहीं है, वो उस व्यक्ति की वजह से मारी गई है जिसने सड़क पर खड़े होकर के अनैतिक व्यवहार किया है। कभी कभी घर पे पेरेंट्स भी बच्चों के सामने अनैतिक व्यवहार कर लेते हैं जो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर रिश्ते का एक बाउंडेशन होता है, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है ना, उसको यदि उस मर्यादा में रखकर ही किया जाए तो वो शोभनीय होता है, यदि उससे बाहर निकाल दिया जाए तो वो अशोभनीय हो जाएगा। उसकी वैल्यू वही है, उसके बाहर निकलने के बाद उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए अनैतिक व्यवहार एक तीसरा बड़ा कारण। पहला कारण, मैं हर एक चीज को आपको मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। तो अनैतिक व्यवहार जो है दोस्तों, ये जितने भी हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया है, ये कहीं ना कहीं एक रेप का रूप ले रही है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाश्चात्य संस्कृति की आने की वजह से रेप हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमने कम कपड़े पहनने शुरू कर दिए, जो भारतीय परिवेश के लिए ठीक नहीं है, उन देशों के लिए ठीक है, क्योंकि वहां पे सारे लोग अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं, तो नॉर्मल चीज, हमारे यहाँ नहीं रहते तो नॉर्मल नहीं है। कोई व्यक्ति अचानक से आएगा तो लोग घूर के देखेंगे, उत्तेजना जगेगी, कहीं ना कहीं दमित इच्छाएं उत्तेजना जगाएगी आपकी। अनैतिक व्यवहार है ना पश्चिमी देशों के अंदर ठीक है, समुद्र के किनारे खड़े होकर के वो है ना उनके हग किस वगैरह जो भी है वो करते रहते, नॉर्मल है, धूप बात ले रहे बिना कपड़ों के अंदर, वो नॉर्मल है। भारत में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। यदि आप इस प्रकार से अनैतिक व्यवहार करोगे, अलग व्यक्ति में उत्तेजना जगेगी और वो कहीं ना कहीं क्या कर बैठेगा दोस्तों, किसी और का नुकसान कर बैठा, ये भी एक बड़ी समस्या है। तीसरा आता है दोस्तों अकेलापन, नशा और तनाव। वर्तमान में हम लोग हमारे कामों के अंदर इतने व्यस्त हो गए कि एक पारिवारिक संगठन जो होता है, एक पारिवारिक मेल मिलाप जो होता है, एक पारिवारिक प्यार जो होता है, वो धीरे धीरे जो है दोस्तों कमजोर होता जा रहा है। ऐसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था, एक परिवार एक साथ बैठ करके खाना खाना थोड़ा सा क्या हो गया, आजकल मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अकेलापन बढ़ गया है। और जो व्यक्ति अकेले बढ़ गए हैं, जो व्यक्ति अकेले ज्यादा हो गए हैं, उन क्योंकि एकांत में सेक्सुअल थॉट ज्यादा आते हैं, ध्यान रखिएगा। आपने कभी महसूस किया हो, रियलाइज किया हो कि जब भी अपन अकेले बैठे होते तो सेक्सुअल थॉट हमारा दिमाग में ज्यादा आते हैं, तो ये अकेलापन भी एक बड़ा कारण है। व्यक्ति जैसे जैसे परिवार के साथ नहीं रह रहा है, बैठ नहीं रहा है ना, 9 बजे अपने अपने कमरे में जाकर के बंद हो गए, फिर रील को स्क्रोल कर रहे हैं, वहां पे भी अपन को ऐसी चीजें दिखने को मिल रही है जो अपने सेक्सुअल थॉट को इम्प्रूव करें, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक काम प्रवृत्ति को उत्तेजित करती है, और हमें उस वक्त दमन करना पड़ता है क्योंकि ऑप्शन कुछ भी नहीं होता है, और वही दमन चीजें होकर के एक समय में उजागर होती है और वो कहीं ना कहीं रेप और कहीं के बलात्कार का रूप ले लेती है, जिसमें एक निर्दोष मारा जाता है, एक कमजोर मारा जाता है। तो यह भी एक बड़ा कारण है। नशा सबसे बड़ा कारण हो रहा है, क्योंकि कभी कभी आपने इस चीज को रियलाइज किया हो, मैं तो आशा करता हूं कि आप लोग ड्रिंक वगैरह नहीं करते होंगे, लेकिन यदि करते हैं तो आपने रियलाइज किया होगा, जब आप थोड़ी सी ड्रिंक एक्स्ट्रा ले लेते हैं आपके लीवर से अधिक, लीवर को जितनी चाहिए उतनी मिल गई, उससे ज्यादा आपने पी ली, हल्का सा नशा हो गया। हम किसी को कुछ मैसेज कर रहे हैं, सुबह पता चलता है कि हमने किसको क्या मैसेज किया, रात को कर दिए, मतलब विवेक खत्म है, क्या भेज रहे हैं हमें ही नहीं पता, किसको क्या बोल रहे हैं हमें खुद को नहीं पता। तो इसका मतलब जब व्यक्ति नशे के अंदर होता है और गलती से उत्तेजना जागृत हो गई, तो एक तो नशा और एक उत्तेजना, नशा विवेक मार रहा है, उत्तेजना भी विवेक मार रही है, विवेकहीन हो जाएगा व्यक्ति, राक्षस बनकर के कुछ भी कर सकता है। सबसे बड़ा कारण है नशा, ये बड़ा मूल कारण हो रहा है दोस्तों।
तनाव जीवन में ही है। तनाव का सबसे, मैंने कई बार ये रिसर्च भी की है और कई बार जो है मैंने इस चीज़ से जाना है कि जो लोग टेंशन तनाव अवसाद में ज़्यादा रहते हैं सामान्य तौर के अंदर उनके अंदर काम प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। और तनाव वाले लोग जो होते हैं वो एक तो पहले से तनाव में टेंशन दिमाग में, एक काम प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं हुई और टेंशन बढ़ते, वो उस तनाव को दूर करने के लिए कभी कभी आपराधिक रूप ले लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों हीन भावना, कमजोर। हीन भावना का मतलब क्या होता है कि वर्तमान में कभी कभी बच्चों ने आजकल इस चीज को स्टैंडर्ड बना दिया, एक बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, प्रेमिकाएं होना स्टैंडर्ड बना दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई रिलेशन एक लंबे समय तक एक साथ में रहा और कभी उनको अलग होना पड़ा, अलग होने के बाद में लड़का उस लड़की को किसी और लड़के के साथ में देखता है या लड़की उस लड़के को किसी और लड़की के साथ में देखती, तो दोस्तों एक दोनों के मन में हीन भावना आती है कि मैं इस लड़की से कमजोर हूं इसीलिए ये मेरे साथ में नहीं रहा, मैं इससे कमजोर इसीलिए मैं ये साथ में नहीं रहा, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, कभी अचानक से ऐसे रिलेटिव दूर होते तो लोगों के अंदर एक आक्रामकता बढ़ जाती है, एक गुस्सा बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर है उत्तेजना। कोई व्यक्ति अगर दूर हो गया है तो दो चार दिन नॉर्मल लगता है, दस दिन के बाद याद बढ़ती है। वो याद बढ़ने का कारण एक सेक्सुअली थॉट और एक काम प्रवृत्ति की उत्तेजना है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। प्यार व्यार सब ये अपनी जगह पे ठीक है लेकिन मेन काम जो है वो उत्तेजना है। तो जब वो जगेगी दो बार, दस बार, पंद्रह बार, उसको कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो उसी के साथ रेप कर लेता है जिसके साथ में उसके संबंध कभी अच्छे रहे हुए होते हैं। तो ये हीन भावना की एक बड़ा कारण है। फिर आते हैं अपनी नकारात्मक अवधारणा भी। कौन सी अवधारणा? एक नेगेटिव थिंग। नेगेटिव थिंग या नकारात्मक अवधारणा का मतलब क्या हो गया कि हम लड़के और लड़कियों में लेकर के परिवार से ही भेद करना शुरू कर देते हैं और उस रिलेशन को एक बहुत ऊंचा रूप दे देते हैं। हमारे भारतीय परिवेश में महिला और पुरुष के संबंध को बहुत ऊंची कैटेगरी पे रखा है। न केवल हमने शादी को या ब्याह को ही एक ऊंचा स्थान दिया बल्कि प्रेम को भी अपन ने ऊंचा स्थान दिया, चाहे राधा कृष्ण का ले लो आप। तो इस प्रकार से प्रेम को भी हमने बड़ा स्तर दे दिया, तो इस रिलेशन को हमने इतना बड़ा दे दिया है कि अब ये निम्न स्थान नहीं ले सकता। एक औरत जो अपने पति को भगवान के रूप में पूजती है तो वो उसको वही जिसको भगवान के रूप में पूजती है वही उत्तेजना के समय राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है, वही उत्तेजना के समय विवेकहीन हो जाता है, चिंतनहीन हो जाता है, आक्रामक हो जाता है वही पति। अब इस रिश्ते को अपन डाउन नहीं कर सकते क्योंकि डाउन नहीं कर सकते, डाउन का मतलब अपन उन लोगों को एक साथ में बिठा करके सेक्स एजुकेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये रिश्ता इतना गंभीर है कि हम ये मानते हैं कि केवल काम के लिए नहीं बना है, इसके साथ में और भी चीजें जुड़ी हुई होती है, जबकि वास्तविकता ये है कि उसका संबंध मूल काम से होता है। 20% अन्य है, 80% काम है, अपन सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने इसको क्या दे रखा है, एक ऊंचा स्थान दे रखा है। ऊंचा स्थान दे रखा है तो इसको जब अपन नीचे स्तर पर लेकर के आते हैं, डाउन कैटेगरी में लेकर के आते हैं, उस डाउन कैटेगरी के अंतर्गत क्या होता है कि हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। हमने महिलाओं को पूरी सजी धजी पूरी पेक देखा है, उनको कम कपड़े में हम स्वीकार नहीं कर सकते। नेगेटिव थिंक के हमारी हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये चीज़ भी मैं मानता हूँ कि लड़कों को भी अपनी इमेज बदलनी चाहिए, लड़कियों को भी बदलनी चाहिए, दोनों को बदलनी चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ परिवेश का भी हमें क्या रखना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक क्या हो जाएगा, मूल कारण हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि मैंने एक लाइन लिखी है, नाबालिग रेप एक एक्सीडेंटल होते हैं, मैंने आपको ये पहले बताया था। तो कोई हीन भावना के कारण जो रेप होते हैं वो एक प्लानिंग के कारण होते हैं, लेकिन जो नाबालिग बच्चे 2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे होते हैं वो एक्सीडेंटल होते हैं। एक्सीडेंटल का मतलब किसी के अंदर उत्तेजना जगी, वो विवेकहीन हुआ, चिंतन करना उसने बंद कर दिया और उसने रेप कर दिया। हालांकि ये अपराध है, उसको अपराध की संगीन अपराध है, गंभीर अपराध है। और ये व्यक्ति, लेकिन हमें इस चीज को समझना चाहिए था कि ये रेप बढ़ना इतने बढ़ गए हैं उसके बावजूद हम जैसे देते ना, जैसे स्वच्छ अभियान चलाए तो जगह जगह पे जाके हमने स्वच्छ अभियान के लिए लोगों को जागरूक किया है। ऐसी शौचालय बने हैं तो जगह जगह पे जाकर शौचालय के महत्व को अपन ने समझाया है। पर्यावरण को बचाने के लिए जगह जगह पे जाके हम लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर के आते हैं। तो सेक्स अवेयरनेस क्यों नहीं लाई जा सकती भाई? इस एजुकेशन के लिए भी तो जगह जगह पर जाकर के जो ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे नशीले पदार्थ ज्यादा होते हैं वगैरह वगैरह, उनमें भी तो ये अवेयरनेस लाई जा सकती है, उनमें तो ये जागरूकता लाई जा सकती है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% से मामले कम हो, 10% कम पड़े, 15% धीरे धीरे होता है ना। पहले शौचालय जब बनने शुरू थे सारे गाँव में सारे घरों में एक साथ थोड़ी बने थे, धीरे धीरे बने थे, आज 90% घरों के अंदर बन चुके हैं ना। तो धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ये एक एक्सीडेंटल केस होता है, ये उस बच्ची का दुर्भाग्य है, या यूं कह सकते हैं कि
ये उस राक्षस की देन है या उस असुर की देन है जिसने इस प्रकार का कुकर्म किया है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन मनोविज्ञान में इसको एक्सीडेंट माना, क्योंकि इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है। हमें खुद को नहीं पता है कि 2 साल की बच्ची का रेप करने वाला व्यक्ति कौन होगा। बाहर सब्जी वाला होगा, दुकान वाला होगा, दूध वाला होगा, घर पड़ोसी होगा, या अपने घर का ही कोई मेंबर होगा। हमें भी नहीं पता कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो ये एक शक्ति जो होती है वो सभी लोगों में नहीं आ पाती है दोस्तों। अल्लाह की होती तो किसी में भी नहीं है। उत्तेजना को नियंत्रित करने की शक्ति किसी के अंदर नहीं होती है, लेकिन किसी के अंदर परिवार और समाज का भय होता है ना, तो उस उत्तेजना के ऊपर वो भय हावी हो जाता है जिससे उत्तेजना डाउन हो जाती है। बाकी उत्तेजना को नियंत्रित कोई नहीं कर सकता। और जिस व्यक्ति को समाज परिवार का भय नहीं है तो उसके ऊपर तो कोई दबाव डालने वाला ही नहीं, तो उत्तेजना उत्तेजित रहेगी और उत्तेजित उत्तेजना कुछ भी करवा सकती है। ये भी इसीलिए हमें एक स्वच्छ समाज का क्या करना चाहिए दोस्तों, निर्माण करना चाहिए। और स्वच्छ समाज की मांग है कि अब लोगों को जो है काम शिक्षा या लैंगिक क्रिया पर आधारित शिक्षण या सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसकी वजह से इस प्रकार के अपराध रुके। मैं कभी भी इन अपराधियों का सपोर्ट नहीं करता, और इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि ये जानबूझ करके नहीं कर रहे, मूल प्रवृत्ति के कारण हो रहे, नहीं, ये अपराध है और उसको अपराध ही माना जाएगा। मैं ये वीडियो बनाने का केवल माध्यम मेरा इतना सा था कि हमारे दिमाग में भी कभी ऐसे थॉट आ सकते हैं, हो सकता है कि हम भी कभी ऐसा कदम उठाएं, तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो याद आए कि कन्हैया सर ने बताया था कि 25 सेकेंड, यदि 25 सेकंड तक यदि अपन किसी को नियंत्रण कर लेते हैं तो हम इस चीज को रोक सकते हैं, तो हम अपराध से रुक जाएं। मेरा उन अपर कभी भी मेरा उन लोगों को बढ़ावा देना मेरा काम नहीं है कि जिन्होंने रेप किया वो अपराधी नहीं, वो तो है ही है। वीडियो बनाने के पीछे रीजंस ये कि हमारे दिमाग में कभी थॉट आए तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है और कैसे मुझे कंट्रोल करना है, ताकि हम अपराध करने से बचे, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपराधी बन सकता है। दूसरा, ऐसे लोगों को जब आप जेल के अंदर बंद करते हो, अपराध के अंदर बंद करते हो, तो भारत सरकार को वहां पे साइकोलॉजिस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनका मनोवैज्ञानिक उपचार हो सके। केवल एक कमरे में बंद कर लेने से कोई व्यक्ति सुधर नहीं जाता, उसका उपचारात्मक कार्य हमें करना पड़ता है। तो कोई जेल में बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुधर करके आएगा, वहां मनोवैज्ञानिकों को लगाया जाए ताकि वो उनकी मानसिक प्रवृत्ति को धीरे धीरे क्या कर सके दोस्तों, बदल सके। यकीन मानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं लिए आपके लिए उपयोगी होगा, कहीं न कहीं आपके लिए लाभदायक होगा, और कहीं न कहीं मैं अवेयरनेस लाने में थोड़ी सी जो है समाज में कुछ बदलाव करने में अपनी भूमिका निभा पाऊंगा। अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, और मिलेंगे कुछ ऐसे अट्रैक्टिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। बाय। राधे राधे। जय हिंद।